हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं आपके चैप्टर सेकंड के पेज नंबर 11, 12 एंड 13 के बारे में। तो पहले आपने जिस तरह से चैप्टर में पढ़ा था औरंगज़ेब की डेथ कब होती है और फिर लास्ट मुग़ल एम्परर जो है बहादुर शाह जफ़र और किस तरह से उनको मारा जाता है, किस तरह से उनको देश से निकाल दिया जाता है और फिर 1498 में एक पुर्तगीज़ ट्रैवलर होता है जिसका नाम है वास्को डा गामा, वो आता है इंडिया के अंदर सी रूट के ज़रिए और पुर्तगाल से लेकर इंडिया तक एक जो है सी रूट उसे मिल जाता है और गोवा के अंदर जो पुर्तगीज़ हैं वो गोवा के अंदर अपनी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश करते हैं और ब्रिटिशर्स को परमिशन मिलती है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहाँ की रूलर है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने उनको परमिशन देती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि इंडिया के साथ इंग्लैंड से और कोई भी ग्रुप जो है वो ट्रेड नहीं करेगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और वो आकर देखते हैं किस तरह से वहाँ पर बाद में फ्रेंच भी आ जाते हैं, फिर डच भी आ जाते हैं और उन सब में आपस में कंपटीशन हो जाता है और ये पॉलिटिक्स भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे किस तरह से पॉलिटिक्स इनके अंदर इन्वॉल्व होती है और कैसे ब्रिटिशर्स क्या करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो यहाँ पर देखिए कुछ दो तीन क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट हैं आपके वो निकल कर आएंगे, उनको ध्यान में रखना आप। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। कि जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री है वो 1651 में, इसकी लोकेशन आपको दी गई है बैंक ऑफ रिवर हुगली जो कोलकाता के अंदर है। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। कि अब जो ये वेयर हाउस बनाए गए थे, ये जो फैक्ट्री बनाई गई थी, इनको पहले फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। ये बेस जो कंपनीज ट्रेडर ने जो बेस तैयार किया था अपने लिए, इसको फैक्टर्स के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद फिर इसमें क्या क्या होता था ये देखिए, वेयर हाउस होता था जहाँ पर गुड्स को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, और फिर ऑफिस बनाए गए होते थे जहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स यानी कि जो अधिकारी वो बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। परसुएड होता है किसी को मनाना, राजी करना। अब कंपनी क्या करती है, जैसे ही ट्रेड एक्सपेंड होता है उनका, बढ़ने लगता है, तो वो मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को राजी कर लेती है कि वो यहाँ पर आएँ और फैक्ट्री के नियर वो सेटल हो जाएँ। बाई 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और 1696 के आसपास ये एक बिल्डिंग बनाने शुरू कर देते हैं, एक फोर्ट बिल्डिंग के रूप में अराउंड द सेटलमेंट, सेटलमेंट के चारों तरफ। टू ईयर्स लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर थ्री विलेजेस। वन ऑफ दीज वाज कालीकाता विच लेटर ग्रो इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नॉन टूडे। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इश्यू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब ये क्या करते हैं कि मुगल ऑफिशियल्स जो होते हैं 1698 में कंपनी ऑफिशियल्स क्या करते हैं, वो मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब देते हैं, रिश्वत देते हैं और वो कहते हैं कि जो कंपनी जमींदारी राइट्स उनको मिल जाए तीन गांवों के ऊपर, उनमें से एक था कलकत्ता जिसको पहले कालीकाता के नाम से जाना गया, उसके बाद उसको कलकत्ता कहा गया और अब इसको जिसको कोलकाता कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब से ये भी डिमांड की कि वो एक फरमान जारी करे। फरमान होता है रॉयल ऑर्डर, यानी कि जिसको एक किंग या एम्परर जो है वो सुनाता है या जो कहता है, या फिर जिसको हम शाही आदेश कह सकते हैं, कि कंपनी का जो ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री हो जाए। ड्यूटी फ्री का मतलब होता है ड्यूटी होता है टैक्स, कस्टम ड्यूटी, तो वो ना लगे उसके ऊपर। तो कंपनी ये डिमांड करती है कि राजा औरंगजेब जो है वो एक फरमान जारी करे जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को ट्रेड के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स ना देना पड़े। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। और कंपनी जो कोशिश करती है लगातार ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन हासिल करने के, मैनिपुलेट होता है कि इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, कि वो एग्जिस्टिंग जो प्रिविलेजेस है उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं इससे हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम तो बहुत लॉस में जा रहे हैं, वो इस तरह की बातें करती हैं औरंगजेब के सामने। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी।
अब जो औरंगजेब ने फरमान दिया था उसने ये कहा था कि सिर्फ जो कंपनी है उसका जो ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री रहेगा, लेकिन ऑफिशियल्स जो थे ना कंपनी के जो अधिकारी थे उनका खुद का प्राइवेट बिजनेस भी चल रहा था, अब उनको वो ड्यूटी देनी पड़ती थी, उनको टैक्स देना पड़ता था। दिस दे रिफ्यूज टू पे और उन्होंने उसे पे करने से मना कर दिया, कजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। और इस तरह से बंगाल को एक बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, एनॉर्मस होता है बहुत ज़्यादा। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, और किस तरह से जो बंगाल का नवाब है मुर्शिद कुली खान वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, उसका क्या कारण था ये हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर आपने एक नाम पढ़ा मुर्शिद कुली खान, ठीक है, और एक आपको साइड में पिक्चर दिखाई दे रही है, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। इस पर्सन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो इससे बनेगा। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि किस तरह से ट्रेड जो है उससे बैटल्स को लेड करता है, वो बैटल स्टार्ट हो जाती हैं, वॉर स्टार्ट हो जाती हैं आपस में। थ्रू द अर्ली 18th century द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसीफाइड। इंटेंसीफाइड होता है बढ़ जाना किसी चीज़ का, कि कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में जो है वो बैटल्स, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, विवाद बढ़ जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। अब बंगाल का नवाब है वो 1707 में आपने पढ़ा कि किस तरह से औरंगजेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो मुग़ल गवर्नर्स हैं वो अपने आप की असर्टिंग, अपनी क्लेम करते हैं वो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, तो बंगाल उनमें से एक था। एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान ने फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये सभी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, इन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रीब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्रीब्यूट लेने शुरू कर दिए कि कंपनी को ट्रेड का राइट हम तब देंगे जब कंपनी हमें कुछ देगी। Denied it any right to mint coins, सिक्कों का जो काम था कॉइन्स को मिंट करना, उसको ढालना, सिक्का बनाना, जैसे आप कॉइन्स देखते हो कि हमारे 5 rupees का जो कॉइन होता है, 1 rupees इस तरह से, एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस, और उन्होंने उसकी फोर्टिफिकेशंस जो उसकी बाउंड्री थी ब्रिटिशर्स की ट्रेडिंग की उसको रोक दिया, किसने, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट दे क्लेम्ड दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रिवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। अब कंपनी जो है उसे दोषी मानकर वो ये क्लेम करते हैं कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है बंगाल की गवर्नमेंट का, कि जो रिवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो उसको नहीं दे रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, यह टैक्सेस को पे करने से मना कर रही थी। राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, और वह डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही थी अपने अथॉरिटी को, यानी कि वो इंग्लैंड के अंदर जो अथॉरिटी थी उनकी उनको, एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स, और वो कोशिश कर रहे थे कि नवाब और उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको ह्यूमिलिएट करने की, उनको नीचा दिखाने की। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब कंपनी जो है उसने डिक्लेयर किया कि किस तरह से जो अनजस्ट डिमांड है, जो पूरी न होने वाली डिमांड्स जो हैं लोकल ऑफिशियल्स की, वो कंपनी के ट्रेड को रूइन कर रही है, ख़त्म कर रही है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड, और ट्रेड जो है वो तभी फ्लोरिश हो सकता था कि जब ड्यूटीज़ को, जब टैक्सेस को वो रिमूव किया जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड नो एंड लार्ज इट्स सेटलमेंट्स बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और उसने यह भी माना कि टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज द सेटलमेंट्स, कि सेटलमेंट्स को एनलार्ज किया जाए, बढ़ाया जाए, उनकी जो सेटलमेंट्स है गाँव को खरीदा जाए और अपने फोर्ट्स को रीबिल्ड किया जाए, दोबारा से बनाया जाए। फोर्ट होता है किला।
The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous battle of Plassey. और इस तरह से ये कन्फ्लिक्ट जो है, एक टकराव हो गया इनके सामने, ये दोनों आमने सामने हो गए एक दूसरे के, नवाब ऑफ बंगाल और द कंपनी, और जिसे एक फेमस बैटल के नाम से जाना जाता है, और उसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी में हुआ था। द बैटल ऑफ प्लासी, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। Company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. अब सिराजुद्दौला जब अलीवर्दी खां के बाद 1756 में बंगाल का नवाब बना, तो कंपनी को ये चिंता होने लगी कि इसकी तो पावर बढ़ रही है और उन्हें तो एक पपेट रूलर चाहिए। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, जिसे जैसे रूलर तो बन जाएगा वो, लेकिन ब्रिटिशर्स जैसे कहेंगे वैसे काम करने वाला होना चाहिए, लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको नहीं चाहते थे। सो इट ट्राइड थॉट विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rivals बिकम द नवाब। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यूज। अब सो इट ट्राइड, इसलिए कंपनी क्या करती है, दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rivals बिकम द नवाब। अब कंपनी कोशिश करती है कि जो सिराजुद्दौला का राइवल्स हैं, जो उसका विरोधी है, उसको नवाब बनाने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते, और इस तरह से सिराजुद्दौला का गुस्सा आता है, सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है, वो भड़क जाता है एकदम से, और वो कंपनी को कहता है कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं उसके डोमिनियन के, जो उसकी स्टेट्स के, जो उसके किंगडम के, उसमें किसी तरह का इंटरफेयर ना करे, और वो अपनी फोर्टिफिकेशन रोक दे, यानी कि वो बाउंड्री अपनी रोक दे, ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश ना करे, एंड पे द रिवेन्यूज, और रिवेन्यू पे करे। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, और जब सभी तरह की बातचीत जो ख़त्म हो गई, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तब नवाब क्या करता है, 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाजार में है उसकी तरफ चल पड़ता है। कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स। वह इंग्लिश जो शिप्स हैं उनको रोक देता है, उनके सभी हथियार छीन लेता है, और वेयर हाउस जो गोदाम है उनके, उनको ताला लगा देता है, लॉक कर देता है। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। और तब वह कलकत्ता की तरफ चलता है कंपनी के किले के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब जैसे ही ये बात कंपनी ऑफिशियल्स को पहुंचती है मद्रास में, वो फोर्सेस भेजते हैं किसके अंडर में, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में, रीइन्फोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स, इसमें नेवल फ्लीट्स भी हैं। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद द नवाब फॉलोड। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। उसे बात भी की जाती है, नवाब के साथ बातचीत भी करता है रॉबर्ट क्लाइव, और लास्ट में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अपनी कंपनी को कमांड करता है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट प्लासी के अंदर। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब दैट द फोर्सेज लेड बाई मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल। अब सबसे बड़ा रीज़न ये था नवाब की हार का कि जो फोर्सेज, जिसको मीर जाफर जो लेड कर रहा था, उसको जो सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, उसने कभी बैटल नहीं लड़ी थी। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज स्पॉट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। और जो क्लाइव जो है वो उसे मैनेज कर लेता है, वो मीर जाफर को कहता है कि अगर सिराजुद्दौला को क्रश कर दिया जाए, अगर उसको हरा दिया जाए, तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा बंगाल का। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। और बैटल ऑफ प्लासी जो है वो काफ़ी फेमस हो गई थी, फेमस थी, क्योंकि ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया के अंदर। ये था आपका पेज नंबर 11, 12 एंड 13।